मेरा अकेलापन, मुझे अपने अकेलेपन से बहुत प्यार है। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अपने मी टाइम को, अपने सेल्फ टाइम को। दिस इज़ द वर्ड्स। अभी मैंने रिसेंटली एक केस हैंडल किया था। जिस पर्सन के पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छा खासा बड़ा परिवार है, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड्स तो पूछो मत, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जब असेसमेंट के दौरान मैंने बात करी और पूछा कि आप कैसा फील करते हैं, तो सब्जेक्ट ने मुझे बोला कि मैं बहुत अकेला फील करता हूँ और अपने अकेलेपन को मैं अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश रहना चाहता हूँ। ये बात जैसे ही मैंने सब्जेक्ट के मुँह से सुनी तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि अकेलापन भी किसी को वो खुशी दे सकता है जो ये इंसान इस समय जी रहा है। पार्टनर बहुत पहले ही साथ छोड़ चुका था, यानी कि जो उनके पति थे वो इस दुनिया में नहीं है, और एक बेटा है वो भी साथ में नहीं रहता। फिर भी कैसे अकेलेपन से दोस्ती करें? इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपने आप को अकेला तो ज़रूर समझो, लेकिन अगर कोई भी आपको मिलता है, मैं नहीं, कोई भी काउंसलर या फिर कोई भी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी आपका दोस्त, उससे बातें ज़रूर करो। 10 मिनट की बातें ज़रूर करो, जिससे आप अपने अंदर की जो भी आपकी बातें हैं उनको आप शेयर कर सको। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ईगो में मत रहो, अपने घमंड को थोड़ा सा डाउन रखो, क्योंकि ना हमारा जो एक व्यक्तित्व है, जो अंदर का एक व्यक्तित्व है, वो हमें अच्छा काम अपने लिए करने ही नहीं देता। हमेशा हमारे अंदर एक एग्रेशन डालता है कि नहीं, तुम नहीं झुकोगे, तुम नहीं झुकोगे, जब तक वो तुम्हें कुछ भी ना समझे झुकोगे नहीं। अपनी इम्पोर्टेंस बनाओ। क्या करेंगे इम्पोर्टेंस बना के जब हम रहेंगे ही नहीं इस दुनिया में, किसको आप अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाओगे? इसीलिए अपने आप को अगर आपने एक अच्छा कैपेबल इंसान बनाना है, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, तो आपको अपने अंदर की बातें शेयर करनी पड़ेंगी। मेंटली आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा। फिजिकली इंसान योगा करके, जिम करके, कार्डियो करके, वॉक करके, कुछ भी एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रख सकता है, लेकिन अंदर अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो किसी को आप नहीं सुनाना चाहते, तो आप मानसिक तौर पर वीक होने लग जाओगे। तो इसीलिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, अपने आप को पीसफुल रखने के लिए, आपको किसी एक इंसान से बात ज़रूर करनी चाहिए, उसे शेयर कीजिए, जो भी आपके मन में है बांटिए। कहते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, इसीलिए तो कहते हैं कि शब्दों की पावर, शब्दों की शक्ति किसी भी इंसान के जीवन को बदलने की ताकत रखती है। और वो ताकत तभी दिखती है जब आप उस इंसान से बात करना चाहोगे, जब आप अपना अच्छा और अपना एक ऐसा समय बदलना चाहोगे जो आपके लिए हो, जो जीवन सिर्फ आपके लिए हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी वीडियो ने ज़रूर आपको एक ऐसा लेसन दिया होगा, एक ऐसा मैसेज दिया होगा जो सिर्फ आपके लिए बना है, कि अपने अंदर आपको डर के साथ नहीं रहना कि मेरा अकेलापन सिर्फ मेरा ही है और मुझे इसे ऐसे ही काटना है। डरना नहीं है, बातें कीजिए अपनी ज़िंदगी में, किसी से भी बातें कीजिए जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।